सिंगरौली में पुलिस ने अधिक ब्याज देने का लालच देकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी एक महिला समूह बनाकर लोगों से पैसे की धोखाधड़ी कर रहे थे। सरई थाना क्षेत्र के कुकराव निवासी उपेंद्र गुप्ता ने पुलिस में शिकायत की कि जिसमें उन्होंने बताया कि पुरानी देवसर के शंकर मिश्रा, उसकी पत्नी सुनीता मिश्रा समली कहार के द्वारा ग्रामीणों को बहला फुसला कर महिला समूह के नाम पर अधिक ब्याज का लालच दिया गया और गांव के करीब 11 व्यक्तियों से 6,14,000 रुपए नगद राशि जमा करा ली गई, लेकिन समय पूरा होने के बाद भी पैसे वापस नहीं किए गए। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक सिंगरौली वीरेंद्र सिंह के निर्देश पर एक पुलिस टीम का गठन किया गया और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुरानी देवसर में एक मंदिर है, रोहित सिंह जी का एक फार्म हाउस है, उसमें मंदिर में शंकर मिश्रा उनकी पत्नी वहाँ पूजा पाठ करने के लिए रहते हैं। समली कहारी वहीं की है, वो उनके साथ रहती है, मतलब काम उसमें। इन लोगों ने एक महिला समूह बनाकर और लोगों को ये वीडियो देकर ऐसा समझाइश देकर कि आप हमें पैसे दीजिए, जैसे 10,000 रुपये देंगे तो एक सप्ताह बाद आपको 13,000 रुपये लौटा देंगे। इसी तरीके से आज से 2 साल से इन्होंने ऐसा काम शुरू किया, लोगों को क्षेत्र में कन्विंस किया, कई लोगों को पैसे लेकर दिए भी समूह के नाम पर, महिला समूह के नाम पर 10,000 रुपये लिया, 13,000 रुपये दे दिया। ऐसा करके इन्होंने चयन शुरू किया और उसी चयन के दौरान जब लोगों को एक आध बार पैसे मिल गए तो लोगों ने बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया। जो अपने पास अभी 12 लोग मिले, जिन्होंने किसी ने 3 लाख रुपए, किसी ने 1,60,000 रुपए, किसी ने ऐसे पैसे दिए। अब जब ज़्यादा अमाउंट हो गया, लगभग 6-7 लाख रुपए, तो उन्होंने अब पैसे देने से मना कर इनकार कर दिया। तो पैसा लिया साहब, तो हम बोले कि पैसा पहले ब्याज तक लिए 10,000 का। 3 कौन ले रहा था ब्याज तक पैसा? सुनीता मिश्रा। ये कहाँ रहती हैं? पुरानी देवसर में। तो क्या 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 पैसा लेती थी? कि ब्याज हमारी कंपनी ब्याज देते हैं, पैसा जमा। कंपनी का क्या नाम बता रहे थे? कुछ भी नहीं बताते हैं, तो हम नहीं बताते हैं ब्याज। तुम महिला समूह मतलब ऐसा है कि वो पैसा जमा करवाता और ब्याज देने के लिए बोले ब्याज देंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।